हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। बच्चों, आज जो आपका क्रैश कोर्स का सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको आज के सेशन में, बिकॉज आज हम मैथ्स से हटके कुछ और पढ़ने वाले हैं। आप वो सर क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा, आपके बिट साइट में एक पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल आपके दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चंस होते हैं, होता बहुत सिंपल है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने करे हैं तो आपको मजा आएगा, आपको क्रैक कर जाएगा एकदम से क्वेश्चन। बट अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन पहले करे ही नहीं है तो बच्चों पेपर के टाइम में माइंड कैप्चर ही नहीं करता कि वो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, जिनमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो और कैसे थिंक करना है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। सो आज बेटा हम सबसे पहला चैप्टर ऑफ मेंटल एबिलिटी, बेटा मेंटल एबिलिटी या फिर हम कहें लॉजिकल रीजनिंग, आपका जो पोर्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग है, जिसके दो पार्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग कह लो चाहे मेंटल एबिलिटी कह लो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है। अब बच्चों लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल। जो हम पहले पढ़ने वाले हैं डेट इज वर्बल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्बल मेंटल एबिलिटी, उसके कुछ चैप्टर्स मैंने आज लिए हैं, जिनमें पहला चैप्टर होता है बच्चों नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या होता है, पहला चीज तो बच्चों के माइंड में यही है, सर नंबर सीरीज क्या होता है? आप बहुत छोटे थे तब आपने ओलंपियाड्स दिए हैं, कुछ लोग अभी भी देते हैं ओलंपियाड्स, ओलंपियाड का भी एक सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी, वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा नंबर सीरीज में आपको क्या क्या याद रखना होता है, दैट इज क्रैश कोर्स है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट वे में चलूंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको हर सिखाऊंगा, ठीक है। सो बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि मेंटल एबिलिटी में जो नंबर सीरीज आपका चैप्टर है, उसमें नंबर सीरीज का मतलब नंबर है, मतलब नंबर्स के साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसमें दिमाग लगाना है। तो सबसे पहली बात है ना, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको एक तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए, एक क्यूब्स पता होने चाहिए, एक स्क्वायर्स पता होने चाहिए, अंडर रूट भी पता होने चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस यही चीज़ मैं आपसे डिमांड करता हूँ। जस्ट सपोज करो नंबर सीरीज का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि नंबर सीरीज है क्या। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1 लिख दिया सर, उसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, फिर 9 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, और बच्चे से पूछा बताओ ये नंबर क्या होगा। बच्चे ने सोचा सर क्या है, बहुत आसान सा काम है, ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको 5 स्क्वायर बोल दें, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 स्क्वायर, डेट इज 36, समझ आया, डेट इज 36, ठीक है। वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं आपसे बोलता यही को कि 1 9 1 8 27, ठीक है, और उसके बाद बोल देता मैं कि फाइंड द नंबर, अगला नंबर बताओ, ठीक है, तो आप बोलते कि सर ये तो 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ये सर 2 का क्यूब लिखा हुआ है, इसको 3 का क्यूब बोल दे तो यहां पर आएगा 4 का क्यूब, डेट इज 64। और अगर अगला नंबर भी आपसे पूछता तो आ जाता 125, 5 का क्यूब, ठीक है। बच्चों ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आज लेने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाला आज का सेशन। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो, ऐसा क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज बहुत टाइप से होती है, सबसे पहली होती है एडिशन सीरीज, फिर सब्ट्रैक्शन सीरीज, फिर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मतलब एडिशन का मतलब आपको कुछ कुछ एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको एडिशन में देखना है, सब्ट्रैक्शन सीरीज भी सेम ही चलती है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज मतलब नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, डिवाइडेशन सीरीज मतलब नंबर डिवाइड होते जा रहे हैं, फिर आपको एक कंबाइन सीरीज मिलेगी जिसमें आप नंबर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, कुछ नंबर ऐड भी कर रहे हो, मतलब वहां तो आपका पूरा माइंड कैलकुलेशन है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको कंबाइंड सीरीज मिलेगी। तो बच्चों ऐसी कुछ कुछ सीरीज के आज हम क्वेश्चन लेंगे, हर सीरीज का एक एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद बच्चों आपको कुछ मिक्स प्रॉब्लम भी मिल सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ही मैंने ऐसी उठाई है कि आपको दिया गया है 21 9 21 11 21 13 और 21। अब बच्चों यहां पर देखो आपको 21 21 21 हर अल्टरनेट नंबर पर दिया गया, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो इसको जरा साइड कर दो, इसको बोलो भाई तू हट जा,
ये हट गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे आप यहां पर देखो, देखो सिंपल सीरीज 9, 11, 13, तो बच्चे यहां पर क्या आने वाला है 50, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहां पर क्या आएगा 50, आप बताओ जरा पॉज करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, कि यहां पर अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। सो बच्चे यहां पर देखो आपको बोला जा रहा है 2, 4, 6, 8, ठीक है, मतलब देखो 2, 4 अल्टरनेट में आपको एक सीरीज दिख गई, ठीक है, आप इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। यहां पर देखो 44 माइनस 3 41 कितना हो गया 38। अब 38 बच्चों माइनस 3 करोगे तो कितना आने वाला है, फटाफट से बताओ 38 में जब माइनस 3 करोगे तो यहां आएगा 35। तो समझ आया, अगर मैं इसका अगला नंबर भी पूछता तो आप क्या कर देते 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ऐसी अल्टरनेट सीरीज भी आपको मिल सकती है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको बस सोचना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बच्चा जब पेपर में करता है ना तो उसके पास टाइम होता है कम, उसको सोचने में ही नहीं आता कि क्या करना है। अब यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको हर क्वेश्चन सोचने में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे बोला जा रहा है 1, 2, क्या बोला जा रहा है, वन सेकेंड, एक मिनट, 1, 2, 3, 10 और 9, 8, 0, 2। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब डिफरेंस छोटा हो तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंस ही बहुत बड़ा है, इनके बीच में गैप ही बहुत बड़ा है, तो आपको सोचना होगा बच्चे कि यहां पर स्क्वायर क्यूब का कोई चक्कर है या फिर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके कोई चीज प्लस कर रहे हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है बच्चे, कि जो सेकेंड नंबर है ना वहां पे सोचना कि फर्स्ट नंबर से मैं सेकंड नंबर कैसे बना रहा हूं। अगर ये आपको पता लग गया ना तो पैटर्न पता लग जाएगा और वहां पे आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। देखो 2, 1 से कैसे बन रहा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो 2 बन जाएगा, हाँ सर बन गया। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और माइनस 1 कर दूं तो 3 बन जाएगा, हाँ सर बन गया बिल्कुल। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो 10 बन जाएगा, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल यही बात चल रही है। तो सर अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं और माइनस 1 कर दूं तो यहां क्या आएगा 99 आएगा, कितना आएगा 99 आएगा। अब बच्चों ने सोचा कि सर अभी तो ये 99 आ गया, लेकिन ये प्रूफ करके तो देखो कि ये नंबर, अगर आपका नंबर सही होगा तो ये नंबर जरूर बनेगा। सो आपको क्या करना है, अभी आपने क्या करा माइनस 1 करा है, सो 99 का स्क्वायर प्लस 1 आप करोगे तो कितना आएगा 9801 + 1 = 9802। तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो सर यहां पे क्या आएगा 99 आएगा। देखो कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए कि वो क्यूब के साथ कोई चीज प्लस हो सकती है, स्क्वायर के साथ कोई चीज प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई के साथ कोई चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि मल्टीप्लाई के साथ कोई चीज प्लस माइनस कर दी या फिर हमने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इन्हीं में एक बता बेटा, विटसेट में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखो आप विटसेट का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विटसेट का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म 2, 3, 7, 22 and 155 के बाद का टर्म बताओ। तो आपने देखा कि सर यहां पे लिख रहा है 2, 3, 7, 22 and 155, अब आपको अगला टर्म बताना है बच्चे। तो यहां पर सोचो कि 3 कैसे बन रहा है, 3 बन रहा है 2 × 1 + 1 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। कि 3 कैसे बनाया, या तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो या 2 × 1 + 1 कर दो, लेकिन जैसे ही आप 3 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 7 नहीं आएगा। सो यहां पे आपको फिर सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म के बारे में कुछ कुछ सोचना है, कुछ टर्म्स मैं बताता जाऊंगा तो याद रखनी है आपको, ठीक है। सो यहां पर देखो 3 कैसे बना 2 से इंटू 1 प्लस 1, सो यहां पे देखो 7 कैसे बन रहा है 3 × 2 + 1, 7 बन गया, हाँ सर ये काम तो हो रहा है। और यही काम आपको नजर आ गया कि सर पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब 3 से कर रहा हूं, तो 7 × 3 + 1 ये भी 22 हो गया। कि सर अब 22 × 4 कर दूं, 22 × 4 देखो 7 × 3 का कितना आ गया 21 आ गया। अब देखो अब आपने सोचा कि सर ये तो 22 × 4, अब यहां पे बच्चा फंस गया कि सर आगे तो बना ही नहीं 155। तो ऐसी सीरीज में आपको 2 या 4 बार सोचना होगा। अब कुछ और सोचते हैं, यहां तक आपके समझ आया, कुछ और सोच लेते हैं बच्चों, कुछ और क्या सोचते हैं कि सर यहां पर कुछ और सोचते हैं क्या बन सकता है। तो ये चीज मैं क्या कर रहा हूं, आपको हर चीज सिखा रहा हूं, यहां पर आपको स्टेप के एंड तक जाके पता लगेगा कि यार ये स्टेप तो मेरी काम ही नहीं कर रही है।
तो और क्या सोच सकते हैं? तो देखो जरा यहां पर देखो, टू टू इंटू वन माइनस वन, ठीक बात। अब आप ये सोचो कि यार सर मैं क्या कर रहा हूं, सेवन कैसे बन रहा है, टू इंटू थ्री प्लस वन करके बन रहा है, टू इंटू थ्री प्लस वन जैसे ही आप कर रहे हो तो आपके पास कितना आ गया बच्चे, सेवन आ गया। अब देखो सेवन इंटू थ्री प्लस वन जैसे ही आप कर रहे हो, सेवन इंटू थ्री प्लस वन जैसे ही आप कर रहे हो तो आपके पास 22 आ गया। हाँ सर ये नंबर तो मेरे पास आ गया। अब अगला नंबर सोचते कि सर अगर मैं 22 इंटू सेवन करूं, 22 इंटू सेवन कितना होता है, 154 होता है, प्लस वन करोगे तो कितना आ जाएगा, 155। सर ये तो सारे ही नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है, 22 इंटू 155 क्या करना है बच्चे आपको, 22 इंटू 155 और प्लस वन कर देना है। अब ये आंसर आपको पता लगाना है, तो देखो फटाफट से कर लेते हैं। 22 5 जा 110 11, 22 5 जा 110 और 11 कितना आ जाएगा, 121, 12 कैरी आ गई, 22 1 जा 22 और 12 जोड़ दिया तो 34 110, प्लस वन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3411। यार ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, देख लेते हैं। यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों समझ आया आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, वैसे ही पैटर्न आपको फॉलो करने। कुछ और क्वेश्चंस अब हम लेते हैं। तो देखो 2 5 11 23, तो यहां पर देखो बच्चे क्या बन रहा है, देखो 2 into 2 plus 1, हां सर बन रहा है, 5 into 2 plus 1, हां सर बन रहा है, 11 into 2 plus 1, 11 into 2 22 plus 1 कितना हो गया, 23 हो गया। यस सर, तो सर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 23 into 2 plus 1, दैट इज आपका 47 इज योर नंबर। तो बहुत बेसिक सा काम है, बस आपको पैटर्न्स प्रैक्टिस में आने चाहिए। जैसे ही पैटर्न्स प्रैक्टिस में आने लग जाएंगे आपको क्लिक करने लग जाएगा, भाई मुझे कौन सा याद रहते हैं, मैंने भी प्रैक्टिस करी है। तो केवल और केवल प्रैक्टिस है थोड़ी सी, और ये तो फ्री के नंबर है, इनमें कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं है। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो आप एक बार बताओ सर अगला नंबर, अगला पैटर्न सोचते हैं। सर यहां पर क्या किया है, 5 into 2 plus 1, ठीक बात, ये तो बात आपको समझ में आ गई। सर इधर क्या किया, 11 into 2 plus 2 कर दिया, अब तो कितना आ गया, 24 into 2 मतलब 48 plus 3 कर दिया 51। अब सर 51 into 2 102 होता है तो plus 4 कर दिया, तो सर अब क्या करेंगे, plus 5 करेंगे, so 106 into 2 212 plus 5। अब बताओ बच्चों जरा फटाफट, प्लस 5 करते ही कितना आ जाएगा, 217। बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, केवल छोटी छोटी चीज है और आपको मार्क्स दिलाएगी ये, ठीक है। अब बच्चों अगले नंबर पर सोचते हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ, सर 36 minus 2, ठीक बात, यहां पर कितना हुआ, -4। जब छोटा छोटा गैप हो ना तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में काम चलाया करो, जब बड़ा गैप हो तो क्यूब प्लस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, स्क्वायर प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस समथिंग, इनटू प्लस समथिंग, इनटू माइनस समथिंग, ऐसी कुछ पैटर्न्स बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो देखो -4 हो गया, अब जो क्या किया हमने, -2 किया, फिर आपने -4 किया, तो अल्टरनेट में क्या हो रहा है, -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, अब बच्चों क्या होगा, -2 होगा। सो यहां पर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 22। तो समझ में आया या नहीं आया, समझ आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहां तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। सो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या कह रहा है आपसे, 912 and 303 102 33 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है and 3 and 2। अब बच्चों वीडियो को जरा पॉज करो और फटाफट से आंसर बताओ इसका, मैं तो बताने वाला ही हूं। अब देखो आप यहां पे क्या करोगे, 912 divide by 3 करके देखो, देखो 912 और 303 मतलब कुछ डिवाइड जैसा समथिंग आ रहा है, तो आपने जैसे ही इसको डिवाइड बाई 3 किया ये आ जाएगा 304। अब आपने बच्चों क्या किया हुआ है, -1 किया हुआ है तो ये आ गया 303। ये बात भी आपके समझ में आ गई। सर फिर अगले नंबर में करके देखते हैं, सो 303 divide by 3 कितना आएगा बच्चों, 101। अब यहां पे क्या किया हुआ है, +1 किया हुआ है तो ये आ जाएगा 102। अब बच्चों अगला नंबर देखते हैं, सर यहां पर भी डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, 102 divide by 3 ये बच्चों क्या आने वाला है आपके पास,
ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और ये 34 आ जाएगा। सो यहां पर माइनस वन किया है तो कितना आ गया, 33 आ गया। सर अब 33 में डिवाइड बाई 3 करो और कितना आ जाएगा, 11। अब यहां पे प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। सो योर आंसर विल बी ए। समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, योर आंसर विल बी ए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आप ही करोगे, आप बताने वाले हो मेरे को क्या होने वाला है यहां पर आंसर। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि 7 12 22 37। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो बच्चों आपको सोचना है कि सर यहां से यहां कैसे पहुंचे। आपने सोचा सर गैप तो बहुत कम है तो प्लस 5 करके पहुंच गए। अब देखो यहां से यहां कैसे पहुंचे, सर प्लस 10 करके पहुंच गए, गैप कम है ना। अब यहां पे यहां कैसे पहुंचे, सर प्लस 15 करके पहुंच गए। अब यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, प्लस 20। इतना गैप तो आपको समझ आता ही है, तो 57 इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन आप इसको भी जरा प्लस 25 करके देखना, पता चले कि अगला नंबर बन ही नहीं रहा तो पैटर्न कुछ ना कुछ अलग लग रहा होगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो यहां पर बच्चों कितना आएगा, 82 ही आएगा। सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप वीडियो पॉज करके करने वाले हो, देखो गलती मत करना। अब देखो अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 25 है, 49 है, फिर 89 है, फिर 145 है, फिर 217 है। अब अगला नंबर बच्चों आप लोग ही बताओगे क्या होने वाला है अगला नंबर। देखो 25 से 49 कैसे पहुंचे, सर गैप तो कम कम लग रहा है तो प्लस माइनस कर लें। अब आपने बच्चों प्लस माइनस किया तो यहां पर प्लस 24 से आप पहुंच गए। तो सर इधर से इधर कैसे पहुंचे, कि सर प्लस 40 कर लिया हमने, कितना कर लिया बच्चों, प्लस 40। अब बच्चों यहां से यहां कैसे पहुंचे, कितने का गैप बढ़ा था, 16 का बढ़ा, आपने इसमें 16 बढ़ा दिया तो कितना आ गया, 56 करके देखो आ रहा है प्लस 56, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां कैसे पहुंचे, अब आपने 56 में क्या ऐड किया, 16 ऐड किया, सर 62 और 72। यहां पर कैसे पहुंच गए आप, 72 से, ठीक है। अब आप 72 में क्या ऐड करने वाले हो, 16, दैट इज 88। तो 217 में आप बच्चों क्या ऐड करोगे, 88, दैट इज 8715, वन कैरी ये, और इधर कितना आ गया आपके पास, 305। सो योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको पैटर्न अंदाजा लग जाए फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बचा, पैटर्न अंदाजा लग गया फिर तो आपने कर ही लिया। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ही करके बताओगे, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो पैटर्न है, थोड़ा अजीब है, लेकिन अब यहां पे आपको पैटर्न पहचानने होते हैं। जब भी रिपीटिंग जैसे नंबर आए ना तो अल्टरनेट सीरीज देखा करो। अब यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 0 2 2 3 3 5 8 4 10, फिर आपसे पूछा है मिसिंग नंबर, देन 5, और देन क्या आ रहा है बच्चों, 17 आ रहा है। So, यहां पर बच्चे ने देखा कि सर देखो दो बार तो 2 2 आ गया, दो बार 3 3 आ गया, सो यहां पर 4 4 आ जाता तब भी मेरा काम चल जाता, लेकिन आया ही नहीं। तो अब देखो अब यहां पर बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल, आप हंसोगे अभी देख के। देखो 0 के बाद कितना आ गया बच्चों, आप 0 के बाद आ गया आपके पास 2, अब 2 के बाद आ गया 3, 3 के बाद 8। ये भी सर अल्टरनेट नंबर पे तो काम नहीं चल रहा, अल्टरनेट पे काम नहीं चल रहा है। सो आपने कहा कि सर अल्टरनेट पे नहीं चल रहा तो आप दो नंबर छोड़ के देख सकते हो, 0 3 0 3, मतलब कितना ऐड किया आपने, 3 ऐड किया, फिर आपने प्लस 5 ऐड किया। अब आपका यहां पे नंबर, अभी देखना इसको, अभी प्लस मत करना, अभी यहां पर देखते हैं। देखो दो नंबर छोड़ोगे, 2 3 4 और 5, हाँ दो नंबर छोड़ के तो सीरीज आपकी बनने वाली है, दो नंबर छोड़ के आपकी सीरीज बन रही है, ठीक है। So, अब देखो अब आपके पास क्या है ना, ये बन गया। अब इसके बाद देखो 2, और फिर इसके बाद क्या बनेगा, 5, और फिर इसके बाद क्या बनेगा, ये 10 बन रहा है, और फिर 17, हाँ सर ये भी बन रही है क्योंकि 2 प्लस 3 3 5, ये कितना हो गया, प्लस 3 हो रहा है, ये प्लस 5 हो रहा है, और ये प्लस 7 हो रहा है, ये भी बन रही है, ठीक है। 2 3 4 5, ये भी बन रही है, तो प्लस 3 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, प्लस 7 कर दो तो यहां कितना आ जाएगा, 8। देखो 2 प्लस, कितना आ गया, 0 प्लस 3, प्लस 3 आ गया, 3 प्लस 5, कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी 15, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, सो योर ऑप्शन डी इज योर
करेक्ट आंसर. मैंने कोई रट थोड़ी ना रखे हैं ये, मैं भी आपके सामने ही सोच रहा हूँ. ठीक है, सो ऐसे ही आपको देखना है. देखो सॉल्यूशन नहीं देखना मेंटल एबिलिटी में, जिस दिन सॉल्यूशन देख लोगे उस दिन आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा. तो बात यहां पर समझो. अगला क्वेश्चन करें. अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सिक्वेंस 0 to 24 to 52. अब यहां पर बच्चों वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको सॉल्व करो, सोचो क्या लग रही होगी अप्रोच इसमें. एक बार नंबर लिख लेते हैं 0 to 24 and 252. अब बच्चों क्या होने वाला है यहां पर, यहां पर आप देखो कि सर 0 से 2 कैसे बना, गैप ज्यादा है, मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब, तीनों चीजों में 0 से 2 कैसे बना होगा. सर 0 से 2 बन सकता है 0 into कितना बन जाएगा 1 + 2 बन सकता है. लेकिन सर यहां तो काम ही नहीं कर रहा, यहां तो काम ही नहीं कर रहा. सो यहां जब काम नहीं कर रहा आपका, तो जब आपको यहां पे समझ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे आगे सोचोगे. सो यहां पर एक चीज देखो, आपने क्या करा सर यार 0 into 1 + 2 कर लिया, लेकिन फिर सर यहां तो मैं तो फंस गया. अब 24 है, थर्ड नंबर पर है, सो 3 का क्यूब क्या होता है 27. तो कुछ आइडिया लगा? हाँ सर 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 पहुंच गए हम बिल्कुल. तो आपको आइडिया लगा कि सर अगर मैं यहां 1³ - 1 कर देता तो 0 आ जाता. सर 1³ तो ठीक है, अगर मैं यहां पर 2³ - 2 करता तो सर गलत हो जाता. गलत होता नहीं होता, होता. सो आप यहां पर ये देखो कि अगर आप यहां पर, अब एक और आइडिया बता रहा हूं, एक स्टेप है इसको भी याद रखना, 1 की पावर 1 - 1, मतलब जो नंबर है ना उसी का सेम पावर, -1 0 आ गया. सर 2³² - 1 -2 कितना आ गया, सर ये तो 2 आ गया. सर इसको सोचो 3³ - 3 डेट इज कितना आ गया 24 आ गया. सर ये कैसे बन रहा होगा, सर 4 की पावर 4 - 4 यस 256 - 4 डेट इज 252. अब जरा सोचो क्या हो सकता है, 5 की पावर 5 - 5. सो यहां पर बच्चों अगला नंबर क्या होगा 5 की पावर 5, क्योंकि जैसे ही नंबर बढ़ेगा ना सो पावर में कुछ ना कुछ समथिंग चल रहा होगा, ये आपको सोचना है. सो सर 5 की पावर 5 कितनी होती है 625 × 5 कर दो फटाफट, क्योंकि 5 की पावर 4 क्या होती है 625. 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10 or 2 = 12 कितना आ गया 1 आ गया, 5 × 6 = 30, 3 × 1 = 5, 3 × 1 = 5 - 5 कितना आ जाएगा ऑप्शन, बच्चों ऑप्शन सी 3120 इज योर आंसर. यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. अब बच्चों इसी पे चलते हैं हम, कि आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सिक्वेंस. ये बच्चों ये जो सिक्वेंस है ना ये बहुत जगह उल्टा सीधा पुल्टा आपको करके पूछा जाता है. इसका एक तरीका बता रहा हूं, रट लेना, रट इसका तरीका बिल्कुल रट लेना, क्योंकि ये तरीका बच्चों को याद नहीं रहता और इसी तरीके पे क्वेश्चन बनेगा. देखो बच्चों 6 कैसे बन रहा है ना, समझना बिल्कुल, निगाह यही 6, फोकस बिल्कुल कंसेंट्रेट. 6 कैसे बन रहा है 1 × 2 × 3 बिल्कुल अलग सिक्वेंस है ये. ये सिक्वेंस कई जगह पूछा जाता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. आपको यहां लगा देगा, यहां लगा देगा, रॉन्ग टर्म पूछ लेगा. अभी तो हम मिसिंग टर्म पे चल रहे हैं, रॉन्ग टर्म पूछ लेगा. ठीक है, तो 6 बन रहा है आपका 1 × 2 × 3 बन गया 6. अब सर इसके बाद मैं 2 × 3 × 4 करूंगा, ये बन जाएगा आपका 24. अब क्या करूंगा 3 × 4 × 5 करूंगा, ये बन जाएगा आपका 60. अब क्या करूंगा 4 × 5 × 6 करूंगा, ये बन जाएगा आपका 120. अब क्या करूंगा मैं 5 × 6 × 7 करूंगा तो ये बन जाएगा 210. और ये ऑप्शन भी आपका क्या होने वाला है बच्चों, यहां पे करेक्ट होने वाला है. सो यहां पे बच्चों ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, समझे आप. अब एक विटसेट का क्वेश्चन और ले लेते हैं. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों 2, 9, 28. अब बताओ यहां पर कुछ सोच सकते हो आप, 1³ + 1, 2³ + 1, 3³ + 1 ये क्या है 3³ + 1, तो यहां पे क्या आएगा 4³ + 1. ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर. देखो कितना जल्दी फास्ट वे में आपने दे दिया, ये आप ही ने दिया है आंसर, यही सोच के चलना. अब बताओ बच्चों यहां पर देखो 2, 9, 28. अब उसके बाद देखो, देखते ही आपके दिमाग में काम कर गया ना कि सर गैप बढ़ रहा है, क्यूबिकल गैप है, क्यूब सोचो, क्यूब सोचते ही प्लस वन सोचा तो आपका आंसर भी आ गया. देखो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, समझे बच्चों आप यहां तक.
सो नाउ बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है, नंबर सीरीज, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गई होगी, बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बच्चों हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे मिसिंग टर्म, अब आपको सीरीज तो गिवन होगी बट आपको बताना है कि उनमें से रॉन्ग टर्म कौन सी है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बट इसको आसान बनाएंगे कुछ टर्म्स के साथ, तो देखते जाओ। अब आपसे बच्चों बोला जाएगा, अब आपसे क्या बोला जाएगा, वन ऑफ द नंबर डज नॉट फिट इनटू सीरीज, मतलब पहले तो आपको मिसिंग टर्म दी गई थी बट अब आपकी सीरीज दी गई है आपके पास, बस उसमें एक नंबर क्या नहीं कर रहा है बच्चों, फिट नहीं हो रहा है। उस नंबर को आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा। अब आपको पूरा नंबर सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। देखो अब सोचो, देखो गैप बढ़ रहा है, सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं है, क्यूबिक है, क्यूब है, स्क्वायर है या फिर मल्टीप्लाई कुछ जैसी समथिंग है। तो देखो 16 से 13 कैसे, मतलब 13 से 16 कैसे बन रहा है। तो देखो आपने क्या किया बच्चों, यहां पर सोचो कि यार सर प्लस 3 कर दिया, ये तो चलो एक बात है, लेकिन फिर यहां पे क्या किया होगा, तो आपको यहां पे एक ही चीज आ जाती है कि सर मैं 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 3 करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। ये बात आपके समझ आ गई कि सर अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस 6 कर दूं तब भी सर मेरे पास 38 आ रहा है। यहां तक बच्चे की बात आराम से समझ आ गई। अब सर मैं 38 में क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं बिकॉज सीरीज चल रही है, और क्या करूं मैं 39 ऐड करूं, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 9 ऐड करूं, देखो सीरीज चल रही है ना, 38 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा अपने पास, 30 इंटू 3 90, 8 इंटू 3 24 मतलब 114 प्लस 9 मतलब कितना आना चाहिए, 123 आना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई आपके कि सर ये तो रॉन्ग है, बट रॉन्ग है इसको भी प्रूफ करना है ना आपको, तो फिर आपको अगला ऑपरेशन करना होगा कि सर मैं अगर 123 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ और 12 ऐड कर दूं, सो 123 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48 मतलब 480 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 492 प्लस 12 मतलब 504। यस सर करेक्ट है, मतलब कौन सी रॉन्ग टर्म है आपकी, 124 रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 123 आना चाहिए था। समझ आया बच्चों, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा, यस ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। मतलब जैसा आप काम नंबर सीरीज में कर रहे थे वैसा ही काम आपको यहां करना है, समझ आ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन करो, अब आप खुद करोगे वीडियो पॉज करके, फटाफट से आंसर दो, वीडियो पॉज भी नहीं करो। तो अब सोचो जरा कि यार सर ये 52 से और विट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना पिछला वाला, बस क्या था थोड़ा माइंड कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन देखो, 52 152 414 मतलब गैप ज्यादा है, तो सिंपल सा काम कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कुछ सोचना है। सर 52 से 152 कैसे बन रहा है, 100 ऐड किया, हाँ सर 100 तो ऐड कर दिया, लेकिन इसमें फिर 100 ऐड नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई किया होगा। सो 52 से 152 बन रहा है सर, 52 इंटू 1 प्लस 100, सर ये तो बन गया 152। बात समझ में आई आपके, बहुत सिंपल सी चीज आपके समझ आ गई। सर अगर मैं 152 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और प्लस 100 ऐड करूं तो क्या बनना चाहिए, 152 इंटू 2 कितना आ गया, 304 प्लस 100 कितना आ गया, 404। सर यहां पे तो 404 आएगा, बट आप कहोगे सर ये तो रॉन्ग है, बट अगली कैलकुलेशन भी तो करके देखो। सो आपके पास यहां पर बच्चों क्या है, 404। अब 404 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 100 करोगे, देखो सीरीज चला रहे हो ना, सो आपका आंसर आ जाएगा 1312। अब अगला ऑपरेशन भी कर लेना, इंटू 4 प्लस 100, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने लगेगा। मतलब आपको क्या करना है, पूरी सीरीज बना के देखनी है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 414 तो फिट नहीं हो रहा, यही रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, 404 आना चाहिए था। तो देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपके, बहुत सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन आप ही लोग करने वाले हो, समझ में आ रही है ना बात। अगला क्वेश्चन देखो, 963 535 1 और 8, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल इस वजह से लिया है कि आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें बैठे कि सर कौन कौन सा गलत हो सकता है। आपने देखा कि सर यहां पे क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर है, चलो सर बात 3 के स्क्वायर की भी सही है आपकी, पर सर अगला 63 है,
ये 4 के क्यूब के आसपास आता है, मतलब 4 का क्यूब माइनस 1, तो सर यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1 किया गया है एक हिसाब से, तो आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। सर अगला 4 का क्यूब माइनस 1 किया गया है तो 63 आ गया। लेकिन फिर बात समझ में आपके कि सर 5 कैसे आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग सीरीज चल रही है, तो अल्टरनेट सीरीज होगी, मतलब 9 में से 5 मतलब माइनस 4, अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, ये बात भी आपके सही चल रही है। सर फिर क्या होगा, फिर सर 63 और 35, तो सर 63 क्या हो सकता है, सर 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना है, 63 है। अब सर यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ रहा है आपके पास, 6 का स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है 35। सर मतलब 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 स्क्वायर माइनस 1 डेट इज 15 आना चाहिए था, बट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि आपको सीरीज तो बना बना के देखनी होगी, मुझे कौन सा याद है, मैंने भी तो आपके सामने बनाई है। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, 3 का स्क्वायर, हाँ चलो ठीक बात, 4 का, 4 का क्यूब, बट कंडीशन नहीं बन रही, तो आपने सोचा सर 2 का क्यूब बना ले, पर फिर 5 फंस गया, मतलब अल्टरनेट सीरीज आपको देखते ही समझ आ गई कि अल्टरनेट सीरीज है, 9 5 1, ये तो आपको समझ आ ही गया था। तो इस सीरीज में आपको क्या देखा कि सर गैप के बजाय तो स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अब यहाँ आप क्यूब लगाते तो यह क्यूब नहीं बनता, तो आपने स्क्वायर देखे, तो अब आपके बात समझ में आ गई सर 8 फिट नहीं बैठ रहा, तो आपका आंसर हो गया डी। देख लेते हैं, यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आए बच्चों आपके, बहुत सिंपल सी बात, अगला क्वेश्चन आप ही लोग करोगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 89 78 86 80 85 82 83, मतलब कुछ नंबर्स गड़बड़ है, तो आपने देखा कि सर यहां से क्या कर रहे हैं हम, 89 86 यहां माइनस 3 है, सर यहां भी कितना है, यहां कितना है, माइनस 1 है। सर यहां तो बात समझ में नहीं आई मेरे कि सर यहां माइनस माइनस 3 है या माइनस 1 है, और यहां कितना हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है। सर यहां कुछ गड़बड़ सी लग रही है। सर फिर यहां देखो, यहां देखा हमने सर प्लस 2 कर रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं प्लस 2 कर रहे हैं, मतलब ये सीरीज तो सही है, ऊपर वाली में गड़बड़ी है, ऊपर वाली को लिख लिया आपने, 89 लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, लिख लिया 89 के बाद आ गया आपका 86 आ गया, 85 आ गया और 83 आ गया, यही सीरीज में कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है। देखो माइनस 3 करा, कोई बात नहीं सर माइनस 3 तो चलो कर भी देंगे, माइनस 3 के बाद कुछ दिक्कत हुई है, तो माइनस 3 में भी कुछ दिक्कत हुई है 86। अब आप क्या कर रहे हो, सर अगर मैं 89 में से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ 87 आता, फिर माइनस 2 करता तो 85 आता, फिर माइनस 2 करता तो 83 आता, मतलब अगर मैं 86 को हटा दूं और 87 लिख दूं तो मेरी सीरीज तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो यहीं पे यही मिस्टेक हो रही थी आपकी कि 86 रॉन्ग दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब कितना सा सोचना था। अब आपको नंबर्स के साथ खेलना है, बस सोचना आना चाहिए कि सर इसकी जगह में अगर ये रख दूं तो आपका फास्ट हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे ना बच्चों, ये कैलकुलेशन भी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, आप खुद करोगे 0 5 15 50। सो आपने कहा कि सर 0 से 5 कैसे बनाए, 0 into 1 plus 5 कि सर 5 से 15 कैसे बनाए, 5 into 2 plus 5। देखो आप देखो ना, 0 into 1 plus 5 ये क्या बना दिया, अब तो आपको समझ आने ही लग गया होगा, 5 into 2 plus 5 दैट इज 15 बन गया। कि सर ये 50 कैसे बना, कितना आ रहा है आपका, 15 आ रहा है ना, 15 इंटू कितना लिखोगे आप, 3 plus 5 दैट इज कितना बन गया, 50 बन गया। सर अब फिर ये क्या है, अब आप क्या लिखते, 50 into 4 plus 5, मतलब यहाँ तो क्या आना चाहिए था, 205 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, मतलब आपका कौन सा गलत है, ऑप्शन डी क्या है, गलत है। बस इतनी सी बात आपको सोचनी थी और आपके आंसर करेक्ट भी होते जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, आप ही लोग सोचने वाले हो सर 1 1 है, 3 है, 9 है, जैसे ही 1 1 देखा आपको अल्टरनेट सीरीज का ज्ञान आ गया, सर यहाँ तो अल्टरनेट सीरीज लग रही होगी, तो यहाँ पे देखा आपने सर 1 3 6 10 16, अब ये क्या चल रहा है, सर प्लस 2 हुआ था, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब सर अब बात समझ में नहीं आई, सर प्लस 6 हो गया, चलो ये भी बात सही है, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 कैसे हुआ, सर प्लस 5 होना चाहिए था। तो एक गलती तो आपने सीरीज में यहां पकड़ ली कि सर ये गलत है। अगली सीरीज देखो, सर 1 है 9 है, मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सर यहां क्या है, 1 का स्क्वायर है, यहां 3 का स्क्वायर है, यहां 6 का स्क्वायर है, यहां 10 का स्क्वायर है, सर यहां 15 का स्क्वायर है, मतलब देख रहे हो आप,
1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, और अगर यहाँ 15 हो जाए तो स्क्वायर 225, मतलब आपकी गलती क्या हो गई, करेक्ट हो गई। यहाँ 16 क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब क्या है, आपको सीरीज में कौन सी चीज मतलब दिक्कत कर रही है, वही रॉन्ग है। तो 16 क्या है आपका, रॉन्ग है। सो योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया, बहुत सिंपल बात। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, पक्की बात। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात। सर यहां पे क्या आ रहा है, 444, 300, 200, 136, 87, 84, 80। गैप देखते ही आपके दिमाग में आ गई सर बात, यहां 12 का स्क्वायर का गैप है। देखो अगर आपको स्क्वायर याद है, क्या आ रहा है, 144 का गैप। तो स्क्वायरिंग में देखो गैप किसका है, 12 का स्क्वायर। सर यहां गैप किसका है, 10 स्क्वायर का, देखो 100। सर यहां गैप किसका, 8 स्क्वायर का, देखो 64 का गैप है ना, 8 स्क्वायर का गैप है। सर यहां गैप किसका होना चाहिए, 6 स्क्वायर का होना चाहिए, मतलब 36 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहां आना चाहिए था सर 100, यहां तो 100 आना चाहिए। यहां गैप किसका होना चाहिए था सर, 4 स्क्वायर, मतलब 16 का। अगर 100 हो जाए तो सही बात आ रही, फिर किसका स्क्वायर होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर, डेट इज है, मतलब 87 आपकी क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका, गलत है। सो ऑप्शन डी क्या है आपका, सही है, मतलब 87 रॉन्ग टर्म है, तो ऑप्शन डी तो क्या है आपका, सही है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, सर 8 है, 15 है, 31 है, 61 है, 123 है, 247 है और 491 है। सर 8 कैसे बन रहा है, 8 2 की क्यूब। सर 15 कैसे बना, सर ये भी समझ नहीं आया मेरे। लेकिन एक चीज आपको दिख गई सर, 8 इंटू 2 माइनस 1 कितना बन गया, 15। सर अगला कैसे बना, 15 इंटू 2 प्लस 1 डेट इज 31। सर अगला कैसे बना, 31 इंटू 2 माइनस 1 डेट इज 61। यहां तक तो सही चल रहा सर। सर 61 इंटू 2 प्लस 1 होता सो यहां 123। सर ये भी सही है सर, तो फिर अगला क्या होगा, 123 इंटू 2 माइनस 1 डेट इज कितना होता, 246 माइनस 1 डेट इज 245। तो ये गलत है। अब 242 इंटू 245 इंटू 2 प्लस 1 ये भी सही है, मतलब 247 क्या है आपका, रॉन्ग टर्म है। सो ऑप्शन ए क्या है आपका, गलत सही आंसर है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल काम। अब तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, धीरे धीरे और बढ़ाने वाले हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ गए अब टाइप 3। टाइप 3 बच्चों ऐसा है कि जिस बच्चे को अल्फाबेटिकल नंबर याद है वो बच्चे के लिए तो दुनिया बहुत आसान है, और जिसको अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है वो बच्चा करेगा दिक्कत। कैसे, वो सबसे पहले पेपर पे लिखेगा ए से जेड तक की काउंटिंग कि सर वन कौन सा है, टू कौन सा है, और फिर बार बार वही पेपर देखेगा कि सर ए जेड जेड 26, सर पी क्या हो गया, पी सर पी पी तो 15 हो, 16 हो गया, सर ओ ओ 15 हो गया, सर ई क्या हो गया, ई देख के बताएगा सर 5 हो गया। अब यहां तो कर रहा है वो गलती, और बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सो आज उसी गलती को आसान करेंगे, आपको 2 मिनट के अंदर याद करेंगे एबीसीडी, प्रॉपर एबीसीडी याद कराने वाला हूं। सो जरा गौर फरमाएं और यही निगाहें रखें, ठीक बात, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले लिख लेते हैं एबीसीडी। अब एबीसीडी बच्चा बोलेगा सर क्या याद करा रहे हो, लेकिन बहुत काम की चीज है बच्चों, याद करना जरूरी है आपके लिए, समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी है। तो ध्यान यही रखना, याद करा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ, एबीसीडी हर किसी को याद रहता है कि सर एबीसीडी मतलब 1 2 3 4, उसमें मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है कि सर एबीसीडी का मतलब कितना होता है, ए बी सी और डी। एबीसीडी का मतलब हो गया 1 2 3 4, सबको याद रहता है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा उछलने की। ई, अब आपका अगला लेटर क्या है, ई, अगला लेटर क्या है, ई, ई से मतलब क्या समझते हो आप, ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कब होती है, शाम के 5 बजे, तो ई का मतलब हो गया 5। थोड़ा हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे तो फटाफट याद होगा। अब ई तो बच्चे के पास आ गया, सर एफ, एफ से कुछ याद आ रहा है, एफ का मतलब फिक्स और फिक्स का मतलब 6, तो एफ का मतलब 6 आपको याद हो गया। सर जी, जी कैपिटल लेटर जी, देखो जी में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, जी का हो गया 7। बहुत इंटरेस्टिंग से याद करेंगे, अभी देखते जाना।
एच, एच का मतलब ऊपर नीचे आप मिला दो तो आपको आठ जैसा कुछ दिख रहा है, आठ जैसा दिख गया। अब बच्चों बात आती है आई पे, आई, आई बहुत इंटरेस्टिंग। आई देखो, आप पढ़ रहे हो, वेबसाइट की तैयारी कर रहे हो, आपने क्रैश कोर्स भी ले लिया एटीपी का। अब आपका जो बड़ा भाई है वो आपसे बोल रहा है पढ़ ले बेटा, चार घंटे पढ़ा कर बेटा, छह घंटे पढ़ा कर बेटा, आठ घंटे पढ़ा कर। आप बोलोगे उसे आई नो मुझे क्या करना है, आई नो मुझे क्या करना है। सो आई का मतलब हो गया नाइन, आई नो तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बात समझे। अब बच्चों बात आती है जे एन के, जम्मू एंड कश्मीर। जब भी जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ उठा पटक चलती रहती है, तो इन सब उठा पटक में टेररिस्ट से 10-11 गोलियां इधर उधर चलती हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर का हो गया 10 and 11, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज। अब बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आने वाला है एल, एल का मतलब होता है लव, और जिसने भी प्यार किया उसके 12 बजने लगे। सो एल का मतलब हो गया 12, ठीक है। अब जिसके 12 बज ही गए हैं सो अब वो गाना गाएगा एम, एम का मतलब हो गया मैं तेरा होने लगा हूं। वो बहुत अच्छे से याद रहेगा नहीं रहेगा आपको, सर ये तो जैसे ही आपको एम दिखेगा आप बोलोगे सर मैं तेरा होने लगा हूं। सो एम का मतलब हो गया 13, याद रहा नहीं रहा, रहेगा ना, एम का मतलब 13 हो गया। सो एन, एन देखो, एल से 12 बजे, एम से 13 हो गया वो मैं तेरा। अब एन में जरा थोड़ा सा देखना, ये रोमन वर्ड जैसा नहीं दिख रहा है, रोमन वर्ड जैसा नहीं दिख रहा है, रोमन वर्ड फोर, रोमन वर्ड फोर, देखो देखो रोमन वर्ड फोर जैसा दिख रहा है। सो फोर को जरा 14 की तरह लिख देना, और भी तरीके याद कराऊंगा मैं आपको इसके। एन को 14 की तरह लिख दिया आपने, अब अगले वर्ड आ गए ओ एन टी। देखो जब आपको पापा मारते तो आप चिल्लाते हो ओ मम्मी ओ मम्मी, अब लेकिन आपको जब मम्मी मार रही है तो आप चिल्ला रहे हो ओ पापा। अब आपके पड़ गए 15 और 16, तो ओ का हो गया 15 और पी का हो गया 16। और एक चीज और याद करा देता हूं, देखो ओपी का मतलब 15-16, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद होते जाएंगे, लेकिन एक जो वर्ड है उसको जरा फोकस करके याद कर लेना, ई जे ओ टी और वाई, ई जो टी, ई जो टी, ई जो टी आपने याद कर लिया बस 5, 15, 20, 5, 10, 15, 20 और 25, ये बस याद रख लो, इनके आसपास के आपको याद होते जाएंगे। कुछ कुछ बीच बीच में मैं बता रहा हूं बट वो याद ऐसे ही होते हैं। सो ओपी आपको याद हो गया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है क्यू, क्यू का मतलब बच्चों आप क्या समझते हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ आता है पेपर में और उसको देख के आपको क्या नजर आता है, खतरा, और खतरा से क्यू का नंबर हो गया 17, खतरा से क्यू का नंबर हो गया 17, ठीक है। अब देखो बच्चों आर, आर में अगर आप ये नीचे से मिलाओगे तो ये कुछ 18 जैसा आपको दिखने वाला है। अब एस टी का मतलब क्या हो गया बच्चों, एस टी का मतलब हो गया एस टी, अपने राजस्थान में क्या चलता है एस टी, स्टूडेंट पास, ठीक है। अब स्टूडेंट पास से क्या मिलता है आपको, डिस्काउंट मिलता है, कहाँ मिलता है बस के टिकट में। अब कभी कभी आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आप पास लेना भूल जाते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। सो आप यहां क्या कर रहे हो, 19-20 गलती कर रहे हो कभी कभी। अब जो अगला नंबर है यूबी, यूबी से आपको याद आना चाहिए युवराज, युवराज ने कब खेलना स्टार्ट किया था, 21.5 साल की एज में स्टार्ट खेलना स्टार्ट किया था, तो उसका नंबर हो गया 21 and 22। अब W जो है वो M का उल्टा जैसा लगता है तो इसका हो गया 23, और XYZ तो आप बताने ही वाले हो। सो बच्चों याद हुई नहीं हुई आपको, ये मेरे को आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला पोर्शन। आई होप आपको याद होगा और मैं करा के रहूंगा, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें सारी ही याद आने वाली हैं, ठीक है बच्चों। सो इसको जरा थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिए आप, आपके बहुत काम की चीज है, मैं 2 सेकंड का आपको गैप दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। पॉज दे लीजिए, जरा फटाफट से लिख लीजिए, चलते हैं हम आगे के सेशन पर। यहां तक बच्चों बात आपको समझ आ गई थी। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, बिट सेट का बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। देखो आपसे बोला जा रहा है QAT RAS SAT TAU, अब अगला नंबर बताओ, याद मतलब ABCD मत चलाने लग जाना यहां कि सर T के बाद S आता है फिर आप ABCD बोल रहे हो, बहुत गलती करोगे। देखो फटाफट से नंबरिंग करो,
नंबरिंग कर लोगे तो बहुत आसान पार्ट आपके लिए होने वाला है, नंबरिंग करते जाओ। Q का मतलब हो गया 17, खतरा। R का मतलब हो गया 18, S का मतलब हो गया 19, T का मतलब हो गया 20, क्योंकि नंबरिंग में आप गलती नहीं करोगे, लेकिन आप ABCD बोलोगे तो गलती जरूर करोगे। सो यहां पे आएगा 21, दैट इज यू। बात समझ? A A A A A सब में A आएगा। अब देखो T का मतलब कितना हो गया 20, S का मतलब 19 और फिर देखो 20, मतलब 19 से एक पहले और एक बाद में सेम नंबर है। तो यू, अब देखो रिपीट हो रहा है ना, यू के बाद वाला आएगा यहां पर बी। सो देखो अब बी से पहले वाला यू और अगला नंबर लिखते तब भी क्या आता, यू। बस यही चीज आपको समझनी थी। सो आपका आंसर हो जाएगा यू ए बी। सो योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। यही चीज आपको समझने वाली है, यस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे, मजेदार है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये एल है, L16 है। लुक एट दिस सीरीज, आपको इस सीरीज की तरफ देखना, देख रहे हो, देखा आपने। अब आपको बताना है कि ये मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। नंबर बहुत आसानी से सोच सकते हो, इनको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी बोलते हैं। अब देखो J का मतलब 10, L का मतलब 12 बज गए उसके, P का मतलब मम्मी ने मारा तो 16 हो गए उसके, R का मतलब 18, 10, 12, 16, 18, तो यहाँ पे 14 आएगा, मतलब N, ठीक है, 14, 16, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, मतलब N18 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है बिट साइड में, बहुत सिंपल। अगर आपको ABCD आती है, याद रखी है आपने, तो कर दोगे, क्या परेशानी है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चले बच्चों अगला क्वेश्चन करोगे, आप लोग ही करोगे। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट टर्म विल फिल इन द ब्लैंक स्पेस। देखो फटाफट से बताता हूँ आपको, ई का मतलब 5, जी का मतलब 7, आई का मतलब मैं 9, एम का मतलब 13 बज गए उसके, 5, 7, 9, तो यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा, मतलब के। देखो कितनी जल्दी लिख लिया, अगर आप ABCD देखने लगते तो कितना टाइम लगता, देखो ना, ए ए ए ए ए, तो लास्ट में ए आएगा, एल एल एल, तो एल ही आएगा। अब देखो 6, 8, 10, तो यहाँ कितने बजेंगे उसके, 12 बजेंगे, नहीं बजेंगे, देखो के डबल एल ए, यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो बिट सेट में विद इन 10 सेकेंड आपको नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या था नंबरिंग। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है डी ई बी आई जे जी एन ओ एल एक्स वाई वी, अगर बीच वाला नंबर बताना। देखो पहले नंबर से स्टार्ट करते, 4, ठीक है, 9, ठीक है, 14, और यह आ गया आपका एक्स वाई जेड 23, तो यहां कितना आने वाला है 19। 19 किसका होता है, एस का। E का मतलब हो गया, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलो आपकी ही यहां 5 कितना आ जाएगा, E का मतलब 5, 9, O का मतलब 15, 5, 4, 9, तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, यहां पे कितना आने वाला है, यहां पे 5, 4 बड़ा, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे 6 बड़ा, यहां 4 बड़ा, यहां 6 बड़ा, तो यहां क्या बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, मतलब क्या आएगा, आना क्या चाहिए बस। सो यहां पे सोच लेते हैं एक सेकेंड, देखो डी आई एन, तो यहां पे कितना हो गया 4, 9, 14, तो यहां पे कितना आएगा 19 आएगा, ये बात तो सही है आपके, ऐसा आने वाला है। अब बीच वाला नंबर देखिए, ई कितना है 5, जे कितना है आपका 9, जे कितना है 10, ओ कितना है 15, नंबरिंग में गलती करते ही देखो ये हो जाएगा, सो यहां 20 आएगा, मतलब एस टी आएगा, ठीक है। अगला नंबर क्या है, बी का मतलब 2, 7, और एल आई का मतलब 9, ठीक है, 2, 7, और यहाँ आएगा 12, एल है वो, ठीक है, और ये कितना है बी, तो ये कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ बच्चों कितना आएगा बीच में 17 आएगा, तो 17 क्या आ जाएगा क्यू, मतलब क्या आ रहा है आपका एस टी क्यू, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया बच्चों, बहुत आसान सी चीज थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे भेज दे या फिर हम अगले टाइप पे आने वाले हैं, इसी पे भेज दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है आपसे, वही खटाखट खटाखट आपको एक ही काम करना है, सर नंबरिंग करो फटाफट, 2, 4, 6, 8, क्या आएगा 10 आएगा, 10 क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। अगली नंबरिंग करिए आपने फटाफट, नंबरिंग 5, अगला कितना है 7, 9, 11, कितना आएगा 13 आएगा, 13, मैं 13 होने लगा हूं, एम आ गया, ठीक है 7, अगला क्या है बच्चों देखते जाना फटाफट, 7 है, इसको क्या लिख दें 9, फिर क्या है बच्चों 9 के बाद 11 है, फिर क्या 13 है, तो अब क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 क्या होता है, ओ मम्मी ओ पापा, तो क्या हो गया
JMO. JMO देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. देखो रॉन्ग नहीं होने चाहिए आंसर. इस एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस बस यही डिफाइन करेगी आपके बिट सेट में नंबर. अगला क्वेश्चन आप ही लोग करने वाले हो फटाफट से. नंबरिंग के इज 11, ये क्या है 9 और ये क्या है 7, यहां कितना है 3, मतलब यहां कितना आएगा 5, दैट इज ई. रख दो फटाफट से रख दो. ई डी सी एक घटा तो यहां कितना आ जाएगा बी आ जाएगा. एम एल 13 12 11 10 आ जाएगा जे. ई बी जे कितना सा सही आंसर आपका. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. देखो कहीं गलती हो ही नहीं रही. अब लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप गलतियां छोड़ते जाओगे. अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो. 10 12 14 क्या आएगा 16, दैट इज पी. देखो लास्ट नंबर एक बार चेक कर लिया करो 5 7, और यहां पे कितना आ रहा है ई का मतलब कितना आ रहा है आपके पास 5, यहां आ रहा 7, यहां आ रहा 17, मतलब प्लस 2 करा प्लस 10 कर दिया. सो सोचो जरा और क्या कर सकते हैं. यहां पे देखो सी का मतलब 3 4 5, यहां पे 6 आएगा सो पी एफ आ जाएगा पी एफ. अब दो ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए. अब आपके बचे ये वाले. अब अगला नंबर देखो एम 13 15 17 19 आएगा एस आएगा तो आपके पी एफ एस दोनों में सेम है. अब बच्चों आपको जरा सोचना है यहां पर क्या सोचना है आपको ई है जी है. अब आपको जरा सोचना है कि सर के आ सकता है और जे आ सकता है. अब के और जे में आपको सोचना है कि सर ई के बाद 7 है 7 के बाद ई के बाद ई कितना है 5 7 और यहां पे बच्चों आपको आई होना चाहिए. ये क्वेश्चन जरा सा रॉन्ग है. टी नहीं होगा ये आई होगा बिकॉज यहां पर 5 7 9 तो अब 11 आएगा. 11 क्या आएगा बच्चों के. सो आपका आंसर हो जाएगा पी एफ एस के. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. देख लेते हैं यस ऑप्शन डी. मतलब वहां पे एक मिस्टेक थी टी मिसप्रिंट हो गया था तो उसकी जगह आई है. तो ये भी चीज किससे प्रैक्टिस से पता लगेगी कि आप कहां गलती कर रहे हो आपको पता लग जाएगा. ये है ही ऐसा सब्जेक्ट. ठीक है तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं टाइप 4 पर. टाइप 3 तक के क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं. टाइप 4 तो बहुत सिंपल वाला पार्ट है. टाइप 4 में आपको क्या मिलेगा लेटर रिपीटिंग. कि आपके पास कोई सीरीज दी जाएगी इसमें आपको पहचानना है आइडेंटिफाई करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं मतलब जो ब्लैंक्स हैं उन पे आप कौन कौन से लेटर लिखने वाले हो. तो बच्चों यहां पर देखो आपके पास सबसे पहला काम जो आपको करना है इन लेटर्स को काउंट करना है विद स्पेस कि आपके पास टोटल कितने लेटर्स है. देखो वो ट्रिक बताने वाला हूं मैं जो इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगी वरना आप पूरे को एक साथ देखोगे ना तो आपके समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है और क्वेश्चन बहुत आसान होता है. तो देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये लिख लो एल स्पेस एन ओ. दो सेकेंड लगेंगे इसको लिखने में एम एल एल एम बट थोड़ा ध्यान से लिखना कि आपके स्पेस छूटे ना. ठीक है सो ओ ओ आ गया और स्पेस एम एल. अब जो आपको क्या करना है काउंट करना है. काउंट देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. अब ये जो है ना ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे या तो 16 होगा या 12 होगा या 15 होगा या 20 होगा. मतलब ऐसे ही बनेंगे या तो 4 के मल्टीप्लीकेशन में आएंगे या 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएंगे. तो यहां पर देखो बच्चों 4 के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो आपने क्या किया पीछे से देखो 4 4 पे आपने क्या गैप लगाना स्टार्ट किया. देखो ये हो गया और ये हो गया. अब आपका काम आसान हो गया. देखो अब आपको दिख रहा है कि एल स्पेस एन ओ और यहां पे दिख रहा है ओ स्पेस एम एल. मतलब देखो कुछ उल्टा किया गया है. मतलब यहां पर क्या आना चाहिए यहां पर एन है ओ है एल है. किस चीज की कमी लग रही है आपको एम की कमी लग रही है बिकॉज यहां पर एम आपको नजर आ रहा है तो यहां पर आपने लिख लिया एम. अब आपके पास हो गया एल एम एन ओ और यहां क्या दिख रहा है आपको कि सर ये तो यही उल्टा हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा ओ एन एम एल. ये क्या आ जाएगा ओ एन एम एल. ठीक है अब आपने देखा सर एल एम एन ओ और यहां पर क्या आएगा ओ एन एम एल. बस हो गया क्वेश्चन. कितना आसान क्वेश्चन था. इसका आंसर हो जाएगा एम ओ एन
अब कई बार टीचर कैसे बताते हैं कि आप ऑप्शन रख रख के देख सकते हो, आप ऑप्शन भी रख रख के देख सकते हो कि सर कौन सी सीरीज चल रही है, बट उससे आसान मेथड होता है ये वाला कि आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेना है। अगर फोर में हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको थ्री में कर लेना है। इसको आप क्या 16 है तो 3 में तो कर नहीं सकते, तो आपने 4 में कर लिया। ज्यादातर में 4 या 3 के ही मल्टीपल में आपका आपको गैप लगाने हैं। सो आपका आंसर क्या हो गया, MONNN। तो आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो बिटसेट 2018 में पूछा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपका आंसर डी करेक्ट हो चुका है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप ही करने वाले हो, देखते हैं आप कैसे करते हो। तो अब देखो बच्चों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर देखो आपके पास कितने लेटर्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो सबसे पहला काम करो कि आप लिख लो। तो लिखा आपने बी स्पेस ए स्पेस बी ए बी स्पेस का जरा ध्यान रखना ए बी और स्पेस ए। अब बच्चों आपको तो वो मेथड पता ही है कि सर जब कुछ ना हो तो पहले मैं 3, 3 में डिवाइड कर लूं, ये बी है ठीक है, फिर मैंने 3, 3 में डिवाइड कर लिया। अब आपने देखा कि यार अब क्या कर सकते हैं, या तो ऑप्शन रख सकते हैं या हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि सर यहां पर बी ए है ठीक है, तो यहां पर जरा मैं बी रख के देखूं तो क्या बन गया मेरा बी बी ए। तो यहां पर क्या बनना चाहिए बी ए ए, मतलब दो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, तो पहले ए को रिपीट करा दिया फिर बी को रिपीट करा दिया, फिर देखो फिर बी स्पेस ए स्पेस ए आ गया। तो यहां पर आपने ए रख दिया, सर दो लेटर ए रिपीट करा दिया, तो यहां पर आपको क्या रिपीट कराना पड़ेगा, एक बी रिपीट कराना पड़ेगा। सो आपका आंसर हो गया ए बी ए बी, मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं कि हमारे लेटर्स का रिपीटेशन देख रहे हैं कि हम और आगे क्या कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि भाई सी ए यहां पर एक स्पेस लगा लेना ठीक है। अब आपने क्या किया कि देखो सर हमने रखा सी ए स्पेस सी ए बी स्पेस ए बी स्पेस स्पेस बी सी और स्पेस। अब देखो ये टोटल कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14 है सर, 14 है। तो मैंने काम करा कि सर मैं आगे से डिवाइड करता हूं, 3, 3, 3, 3 और ये 2 को अलग रहने दो। तो आपने देखा कि सर यहां पर क्या चल रहा है, सी ए बी है, तो आपको अंदाजा लग गया। देखो अगर आप ऐसा कोई अपने अंडर ले लो जो पूरा का पूरा फिल किया हुआ हो, मतलब उसमें स्पेस ना हो, तो उसके थ्रू भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके अगल बगल कौन से लेटर्स आने वाले। तो यहां पे देखा सी ए बी, तो यहां सर बी रख दे, फिर यहां क्या आ जाएगा सी ए बी, यहां पर भी रख दे सर, फिर यहां क्या आ जाएगा सी ए आ जाएगा, फिर यहां क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अरे इससे तो मुझे पूरा ही अंदाजा लग गया, पूरा मेरे को आइडिया लग गया कि मैं क्या कर सकता हूं। सो आपका आंसर होने वाला बी सी सी ए ए। तो अब हम जांच कर लेते हैं कौन सा है, बी सी सी ए ए, यस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, यस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों आप लोग तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बच्चों आपका आने वाला है टाइप 5। अब टाइप 5 में क्या होगा बच्चों आपके पास कि कोई एक फिगर दिया जाएगा जिसमें आपको एक जगह खाली छोड़ी जाएगी या ब्लैंक छोड़ी जाएगी, और उस ब्लैंक स्पेस पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आ सकता है। ब्लैंक स्पेस पे क्या बताना है, आपको कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार सर मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो उसके लिए बच्चों आपको दो फिगर्स दिए जाएंगे, उन दोनों फिगर्स को आपको एनालाइज करना है कि कौन सा मेथड हम यहां लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेथड आपने देखा, आपको बच्चों 72 बनाना है इन 4 नंबर से, आप चाहे इन्हें मल्टीप्लाई करो, इनका स्क्वायर एड करो, बस मेरे को 72 बना के बताओ। तो आपने सोचा कि सर 72 कैसे बन रहा है, तो आइडिया लगाते रहो, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि बड़ा नंबर बनाना है तो या तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 12 3 36 36 2 72। एक बार बना आपका, आपका बन गया 4 × 3 × 3 × 2, ये क्या बन गया आपका बच्चों 72 बन गया। आपने इसको अपने माइंड में रख लिया। अब अगर ये दूसरे वाले में भी अप्लाई हो रहा है तो थर्ड में कर दो, अगर ये सेकंड में अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसको आगे मत बढ़ाओ, फिर आप दूसरा मेथड सोचो। तो यहां हमारा एक तो कंफर्म हो गया कि सर ये है। अब आपने इस पे अप्लाई किया 9 × 10 90 90 × 2 180 और 180 × 4 720, सर यहां भी अप्लाई हो गया, मतलब क्या आ रहा है 9 × 4 × 10 × 2 = कितना आ रहा है 720।
ठीक है, अब बच्चों क्या आने वाला है। अब आपने देखा, अब कुछ बच्चे तो अंदाजा लगा रहे हैं कि सर 720 है, 72 है, 720 है तो सर ऑप्शन सी होगा। देख लेते क्या पता हो भी सके। आपने करा 6 × 1 6 6 6 36 और 36 × 20 डेट इज कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 720। अब यहां पे बच्चों का क्या हुआ, आंसर क्या आने वाला है 720, पर आप क्या कर रहे थे 7200, डेट इज रॉन्ग। मतलब हमेशा मेथड से चलो, ये नहीं आपको चार नंबर क्यों दिए गए भाई, उसी लिए तो दिए गए। तो समझ में आया, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नहीं होने वाला है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब वो तुक्का मारने की सोचते हैं ना कि यार अब मेरा पेपर हो गया, अब मेरे को है ना कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बच्चे कहते हैं 720 और 7200, डैट इज रॉन्ग। ठीक है, समझ गए आप क्या करना है आपको, हमेशा मेथड पे ध्यान देना, मेथड से आप सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको मेथड क्या बताया, बड़ा टर्म है तो स्क्वायर या क्यूब्स का ऐड करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उससे भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं आगे कैसे क्या करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिट सेट का, ये तो अपना हो ही गया। अगला क्वेश्चन में बच्चों एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 41 कर लेना, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों ने देखा कि सर यार अब मेरे को ये बताना है, और अब आप देख के आओ कि इतने में आप क्या कर रहे हो। ठीक है, 41 कैसे बनेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई मेरे दिमाग में आता है, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 13 × 1 = 31, दैट इज रॉन्ग, मतलब सर ये भी नहीं हो रहा। सर अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 = 5 और 3 × 2 = 6, तो 5 × 6 = 30, ये भी नहीं हो रहा। ठीक बात, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 + 5 = 11, ये भी नहीं हो रहा। अब आप क्या करते हो सर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसमें ये ऐड कर दें, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30 + 1 = 31, ये भी नहीं हो रहा। सर इधर से भी देखे तब भी नहीं हो रहा, तो अब आप स्क्वायर्स और क्यूब पे आ जाओ। तो आपने क्या किया, सर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 25 और 3 × 2 = 9, इनका सम किया, क्या आ गया 4 + 1 = 5, 30 और 39। सर यहाँ भी बात नहीं बन रही है, यहाँ भी बात नहीं बन रही है, सर और क्या कर सकते हैं। अब आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स जो आप सोच सकते हो पेपर के टाइम में, मल्टीप्लाई से बात नहीं बनी, एडिशन से बात नहीं बनी, अब आपने क्या करा सर स्क्वायर्स को ऐड कर दिया तब भी बात नहीं बनी, तब क्या आ रहा है बच्चों आपका 25 और 9 = 34, 34 और 4 = 38 और 39 आ गया। बच्चों यहाँ भी बात नहीं बनी, तो सर अब क्या करें, अब देखो आपके पास क्या है, 5 + 3, 3 + 2 कितना आ गया 10 + 1 = 11 आ गया। ठीक बात, 11 तो ये है आपके पास। अब आपने सोचा सर एक बार मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके देखूं, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 30, 30 × 1 = 31, तो 30 ये करते ही मेरे पास सर 41 आ गया। अब इसको मैं सेकंड में अप्लाई करूंगा, देखो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। अब आपने क्या करा, पहले सबको मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36 और 36 × 4 = 144, सर ये तो 144 हो गया। प्लस अब आपने क्या करा, सबका एडिशन करा, 6 × 2 = 8, 8 × 3 = 11 और 4 = 15, तो सर ये तो आ गया 159, मतलब करेक्ट है, यही मेथड है, अप्लाई कर दो। आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई, 9 × 8 = 9, 4 = 36 × 8 × 3 = 24, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 24 × 6 कितना होता है 144, सो 14 कैरी, 24 × 3 = 72, 72 और 14 कितना होता है अपने पास 86 आ जाएगा, मतलब 864 प्लस, अब आपको क्या करना है इनका सम, 9 और 4 कितना आ गया 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, सो आपके पास कितना आ जाएगा 8, 8 और 8, मतलब आंसर आ गया 888। यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, मैच कर ले बच्चों, यस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मतलब आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको मेथड याद होते जाएंगे, यार ऐसा भी ऐसे क्वेश्चन में लग सकता है क्या, कर सकते हैं क्या, तो समझ में आया। ठीक है, क्या समझ आया, चले आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान, देखो आसान क्वेश्चन कहेगी, एक मेथड और नया है कि आप और कैसे सोच सकते हो। आप इन दोनों को जरा माइनस करो, देखो नंबर इन्हीं के आसपास है, नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, नंबर में डिफरेंस भी नहीं है ज्यादा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से काम चलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, 93 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया आपने, कितना आ गया सर 93 में से 27 66 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया,
मतलब 3 सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 63। मतलब इन दोनों ये आपने क्या किया, आपने क्या किया बच्चों 93 माइनस क्या किया इन दोनों का, इन दोनों का सम, तो ये क्या है 30 माइनस किया तो ये आ गया 63। अब चेक करते हैं सर 79 में से मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है 42। सर 79 में से जब मैं 42 सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या मेरे पास 37 आएगा? यस आएगा ही आएगा। तो यहां भी ये बात सही है, 79 में से मैं 42 सबट्रैक करूंगा तो 37 आएगा ही। तो अब क्या करना है आपको, 67 में से क्या माइनस करना है, 67 में से 16 प्लस यहां x मान लू बच्चों, x सबट्रैक करना है तो आपके पास क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो 67 में से 42 माइनस करो तो यहां आ जाएगा 16 प्लस x। अब 67 में से 42 माइनस करोगे सो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। सो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। सो योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मैच कर ले बच्चों, क्या करेक्ट हो रहा है क्या? यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आसान था या नहीं बताओ मेरे को, आसान बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, नंबर आपको मिलेंगे ये बहुत आसान। ठीक है अगला तो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जरा देखो कि इस क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा क्या लग रहा है कि कोई नया मेथड आपने देखा कि यार सर और क्या सोच सकते हैं इसमें, मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, क्या कर ले। देखो आपने किया 9 माइनस 3 भी करें तो पहला लेटर 6 आता है तो वो भी नहीं है यहाँ पर। आप 9 इंटू 5 करोगे 45 इंटू 1, 45 इंटू 18 4 जा 72, तो 45 प्लस 72 भी नहीं है आंसर, और 45 इंटू 72 तो बहुत लंबा आंसर आ जाएगा। तो वो मेथड भी आपने छोड़ दिया कि यार सर वो भी नहीं काम कर रहा। सर अब क्या करें मैं 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 और 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, तो 14 15 इंटू 13 करते तब भी नहीं आ रहा ये, तो सर आएगा कैसे? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको देखे ना तो देखो ये जो लेटर, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये नंबर 915 और नीचे क्या दिख रहा है 364, तो जरा 915 में से 364 सबट्रैक करना तो देखो कितना आएगा 15 और यहां कितना आएगा 5, तो आंसर आ गया 551। सर ये क्या हुआ? हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सर यहाँ क्या करें, यहाँ देखो 543 में से अगर मैं 789, तो अब क्या करना आपको 789 में से 543 सबट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 246। अब देखो अब बच्चों क्या करना आपको कि 863, अब आपके पास क्या है 863, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है 241, सो 241 सबट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 6, तो 622 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, अब यहां तो आप और भी चीज सीखने वाले हो। अब आपने क्या किया सर 15 5 जा 75 और 6 3 जा 18 दोनों को ऐड करें, नहीं बन रही 15 5 जा 75 और 6 3 जा 18 93 बन गया ना। अब और दूसरे मेथड से सोचते हैं कि सर अगर मैं 6 5 जा 30 करता और 15 3 जा 45 करता तो मेरा कितना बन रहा था 75, ये भी काम नहीं चल रहा। सर 15 इंटू 5 75 और अगर हम मल्टीप्लाई करते गए तो भी बड़ा हो गया। सर अगर मैं एडिशन करूं 20 26 29 तो ये भी नहीं हो रहा, तो मैं करूं क्या? तो मुझे क्या करना है दो दो को मल्टीप्लाई करके देखना है कि सर 15 5 जा 75 प्लस 6 3 जा 18 दैट इज 93, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म कब होगा जब मैं इसको भी करके देख लूंगा 18 और यहां क्या आएगा 32, 18 और 32 कितना हो गया 50। सर यहां तो कंफर्म हो गया, यहां देखो 7 5 जा 35 और यहां देखो 9 6 जा 54, तो 35 और 54 कितना आंसर देगा 89। तो देख लेते हैं 89 ऑप्शन डी करेक्ट है क्या, ऑप्शन डी करेक्ट है क्या? यस ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिपीट हो रखा है तो ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है अब बच्चों हमारा नया टाइप आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहां आपको देखने को वो फेसबुक पे देखे आपने बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आते रहता है,
सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने वाला हूं जहां आपका माइंड ऑपरेशन चलेगा पूरा, कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। ये भी वही चीज है, बस यहां पर हम क्या चेंज कर देते हैं, वहां फिगर्स थे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर बताओ 121 है, यहां हमारे पास हैश लगा हुआ है, इसका कोई मतलब आपके पास पता नहीं है, तो आपके पास ये ऑपरेशन बन रहा है कि 5 #6 = 21। अब हैश तो क्या है, कोई ऑपरेटर है या कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। अब ऑपरेटर अगर होता तो 5 6 30 होता, 5 + 6 11 होता, 5 - 6 - 1 या फिर 1 होता, ठीक है। तो वो चीज तो काम नहीं कर रही, लेकिन आपको याद आ गया कि सर 121 को देख के तो मुझे लग रहा है ये 11 का स्क्वायर है, और 11 किससे बन रहा है, 5 + 6 = 11। बस यही चीज आपको उस टाइम स्ट्राइक करनी चाहिए। और यहां पर देखिए सर ये 18 का स्क्वायर है, 18 कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है, तो सर यहां क्या आएगा, 23 + 14 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर आप अगर फटाफट से अगर आपको निकालना हो, शॉर्ट ट्रिक्स देखनी हो, तो मेरा एक NTSC का चैनल है, वहां भी आप जाके देख सकते हो ADB Star NTSC की स्क्वायर फटाफट कैसे निकालें। अब यहां भी आपको बता देता हूं 50 से कितना कम है, कितना कम है 13, तो 25 में से 13 घटाए कितना आ गया 12, और 13 का स्क्वायर 169, दो डिजिट लेनी है, एक को इधर पहुंचाया तो 1369, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में, कि आपको दिया जाएगा एक टर्म, आपको दिया जाएगा एक टर्म, और आपको बोला जाएगा कि भाई माइनस को प्लस से चेंज कर दो, प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज कर दो, और मेरे को फाइनल आंसर बताओ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना आपको जो टर्म दी गई है ना वो लिख लो, आपको जो इक्वेशन दी गई है वो लिख लो, +8 × 3 / 20। अब आप पहला नंबर लिखो और फिर क्या करना है आपको, देखना माइनस, सर माइनस को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से, तो +9। अब सर प्लस को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई से, तो 8। सर मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करना है, डिवाइड से, डिवाइड 3। और सर डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है, माइनस से, तो 20। अब यहां पर आपको तो पता ही है कि सबसे पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, सो आपने इसको ऐसे चेंज कर लिया, 9 × 8 / 3 - 20, ये आ गया 3 8 3 = 24 + 6 कितना आ जाएगा अपने पास, 30 - 20 = 10। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी क्या है आपका यहां पे करेक्ट होने वाला है, तो देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों अभी हम चलते हैं आगे, आज क्या बोला जा रहा है आपसे अगले क्वेश्चन में, जो विटसेट 2013 में आया है, सेम क्वेश्चन है कि अगर मैं इसके दो साइन को ही इंटरचेंज कर दूं तो बताओ कि कौन कौन से वो साइन होंगे, कि जिनको यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में अगर मैं कोई दो साइन इंटरचेंज कर दूं, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो 13 आंसर आ जाता है। तो बताओ कि कौन से साइन हमने चेंज करे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, क्या लिख लेनी है इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हुई है, 3 / 5 × 8 + 2 - 10 = 13 आ रहा है। सो आप बच्चे को देखते ही क्या पता लगा ना कि सर यहां पर प्लस तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये इक्वेशन कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि 5 / 8 होता नहीं है, और 5 / 5 × 8 है, चलो ये तो चल जाएगा, पर डिवाइड बाई 3 / 40 सर ये तो नहीं होता। और आपको दिख गया कि यार सर ये डिवाइड है ना, ये तो यहां काम नहीं करेगा, और इस इक्वेशन में कहां सेट हो सकता है डिवाइड, सर डिवाइड तो केवल और केवल एक ही जगह है जहां सेट हो सकता है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लस प्लस की जगह डिवाइड रख दिया, डिवाइड की जगह प्लस रख दिया, तो यहां प्लस आ गए 5 × 8 / 2 - 10। अब देखो अब बच्चों सॉल्व करो उसको, 8 / 2 = 4 × 5 + 3 - 10, तो ये कितना हो गया 20 × 23 - 10 = 13। तो आपका आंसर 13 आ गया। सो आपने बच्चों कौन कौन से साइन चेंज करे, एक तो डिवाइड को किससे चेंज किया, प्लस से, सो योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये सोचना था कि आपका कौन सा साइन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सो यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि सिंपल सिंपल आपको ये चेंज करने हैं और बताना है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखो, उस इक्वेशन को लिखो, तो 3 - 15 / 19
इनटू 8 प्लस 6. तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर के चेंज कर लो 3. माइनस को किससे चेंज करना है? मल्टीप्लाई से, दैट इज 15. डिवाइड को किससे चेंज करना है? प्लस से, प्लस 19. मल्टीप्लाई को किससे चेंज करना है? डिवाइड से, सो डिवाइड बाय 8. और प्लस को किससे चेंज करना है? माइनस से, तो माइनस 6. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 45 प्लस 19 कितना होता है? 64 डिवाइड बाय 8 माइनस 6. तो यहां आंसर आएगा 8 माइनस 6 दैट इज 2. तो योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट है क्या. यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों. क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको पहले तो ऑपरेटर दे रखे थे, ऑपरेटर्स को चेंज करा रहा था, अब आपको वहां पर अल्फाबेट दे दिए गए. तो अल्फाबेट में देख ले बच्चों क्या हो सकता है. अल्फाबेट की इक्वेशन लिख ली 16c 12b 6d 2a और 17. तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया कि 16 लिखा. अब बच्चों बताओ कि ई की जगह क्या आने वाला है. देखो ई की जगह क्या है, ई पे गए हम. ई का मतलब सर, ई का मतलब ये सी है, सॉरी सी. सर सी का मतलब क्या है? सी का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12. सर बी का मतलब क्या है? माइनस 6. सर डी का मतलब क्या है? डी पे गए, डी डिवाइड बाय 2. अब डिवाइड बाय तो पहुंच गए. अब ए का मतलब क्या है सर? ए का मतलब तो सर प्लस है, तो प्लस 17. सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है 16 इनटू 12 माइनस डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3. मतलब ये इसका आंसर 3 प्लस 17. अब क्या सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा तो 12 6 जा 72 और 7 आ गया 12 बन जा 12 192 माइनस 3 प्लस 17. तो यहां कितना आ जाएगा 189 प्लस 17. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 206 आ जाएगा बच्चों. 206 इज योर करेक्ट आंसर. तो देख लेते हैं यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. सो आई होप बच्चों आज मैंने आपके अराउंड मेंटल एबिलिटी के 5 चैप्टर्स कवर किए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तक. ठीक है. सो आगे के सेशंस में हम और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर करने का ट्राई करेंगे और आपको मेंटल एबिलिटी में ऐसा बना देंगे कि आपको अगर क्वेश्चन मिले तो आप एक बार तो दिमाग लगा पाओ कि यार सर ये तो मैंने पढ़ा है. कम टाइम में ज्यादा पढ़ो, बस मेंटल एबिलिटी के पोर्शन को छोड़ना मत. ठीक है. मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.